असत्य पर सत्य के प्रतीक विजयदशमी को लेकर इंदौर शहर में दो वर्ष बाद काफी उत्साह नजर आ रहा है। कोरोना से राहत के बाद शहर में रावण दहन को लेकर कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इंदौर शहर में मुख्य रूप से विजयनगर, दशहरा मैदान, रामबाग सहित नंदा नगर पर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रूप रावण का दहन किया जाता है। साथ ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लंपी वायरस व अन्य बुराई के प्रतीकों का दहन किया जाएगा। विजयनगर स्थित रावण दहन कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी सम्मिलित होंगे। वहीं रावण दहन के पहले रामलीला का आयोजन किया जाएगा। क्या विषय रखा गया है इस बार रावण? विजयनगर रावण दहन उत्सव समिति द्वारा विगत 40 वर्षों से ये यहाँ पे रावण दहन किया जाता है। क्योंकि रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है, तो हर वर्ष ही बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होते हुए इस रावण दहन का कार्यक्रम करा जाता है। हम सभी हिंदू धर्म के लोगों की एवं भारतवासियों की मान्यता रहती है कि राम भगवान ने रावण का वध करके इस पूरे भारत में राम राज्य को स्थापित करा था और अच्छाई की आधारशिला रखी थी बुराई का नाश करके। क्योंकि अभी विश्व और भारत कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो लंपी वायरस हो, या फिर अन्य अन्य कोई भी बीमारी हो, उनका नाश करने के लिए और समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनका नाश करने के लिए यह रावण दहन किया जा रहा है, जिससे कि लोगों में एक संदेशा जाए कि आपको अपने अंदर का अगर आप रावण का वध करेंगे तो अपने आप ही इस भारत में अच्छाई की जीत होगी और राम राज्य का स्थापना होगी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भजन संध्या का आयोजन भी शाम में रखा गया है, जिसमें कि कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां दी जाएंगी। राम भगवान की आकर्षक झांकी बनाई गई हैं, जिसमें भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, माता सीता एवं हनुमान जी के रूप में कलाकार उपस्थित रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं हम सब के लोकप्रिय नेता श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी की उपस्थिति में यह रावण दहन करा जाएगा। कितने फीट का बनाएगा और क्या विषय रखा है इस बार? क्या बार अलग अलग विषय रहते हैं? इस वर्ष में रावण 51 फीट का बनाया गया है। क्योंकि इस वर्ष का विषय रखा गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं सर्व शिक्षा अभियान, और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा जैसा कि सबसे ज़्यादा योजनाओं का लाभ दिलाने का संकल्प लेते हुए मोदी हमारे राष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता, पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता एवं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह जो अभियान शुरू करा गया है, उसका भी मुख्य रूप से यहाँ पे संकल्प लिया जाएगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ दिला सकें और उसके साथ ही सारी बुराइयों का नाश करने का संकल्प लेते हुए इस बार का आयोजन करा जा रहा है। इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं नगर निगम के सभापति एवं पार्षद श्री मुन्नालाल जी यादव, उनके साथ ही लोकप्रिय विधायक एवं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले माननीय श्री रमेश मेंदोला जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम विगत 40 वर्षों से करा जा रहा है। अंकित